हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम देखे थे इंट्रोडक्शन नहर का, है ना, कि नहर के बेसिक टर्म समझे थे, एम्बैंकमेंट क्या होता है, बर्म क्या होता है, डॉबल क्या होता है, सर्विस रोड क्या होता है, ढाल कितने का होता है, कितने प्रकार के नहर होते हैं। ये आपका सेकेंड लेक्चर है नहर का, यानी हम टोटली कह दें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग फिफ्थ सेमेस्टर का सेकेंड लेक्चर है। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखने आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहला वाला वीडियो यानी पार्ट वन आप देख के आइए, क्योंकि पार्ट वन में वो बेसिक सारी चीज़ें बताए हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें खींचने के लिए। तो यदि आप डायरेक्ट इसको देखने आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चले जाइए, इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, जाइए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको फिफ्थ सेमेस्टर ड्राइंग का, हमें पहला पार्ट देख लीजिए तब ये देखने आइएगा तो आपको 100% समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम ड्राइंग लिए हैं फुली कटिंग का, है ना, नहर हमको तीन प्रकार से पढ़ना है, फुली फिलिंग, फुली कटिंग और पार्शली फिलिंग और पार्शली कटिंग। तो कौन सा हम पढ़ेंगे, जो नहर मेरा पूर्ण कटाव में है। अब देखिएगा, जो हम सारे के सारे टर्म बताए थे ना उसका यहाँ यूज होगा। जैसे कि जल मार्ग की निचली चौड़ाई कितना है, 3 मीटर। जल मार्ग की निचली चौड़ाई कितना है, 3 मीटर। जल मार्ग की गहराई कितना है, 60 सेंटीमीटर। अब देखिए शुद्ध हिंदी लिखा है, अभी समझ आ जाएगा आपको। बर्म की चौड़ाई 1.2 मीटर। हम आपको क्या बताए थे, बर्म यानी जो दे देगा कोई दिक्कत नहीं, नहीं देता तो जो हम बताए थे उसको नोट करना था। जैसे हम कह देते हैं कि फुली कटिंग में बर्म कितना था, तो आप कह दें कि FSL से 0.5 मीटर ऊपर पानी के गहराई के बराबर। सारे के सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए जो पिछले वीडियो में हम बताए थे। और चलिए यहाँ से हम पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं है क्या क्या चीज़ इसमें। समझिएगा, ऐसा तो ड्राइंग रहेगा पूर्णतः कटाव में, देखिए पूर्णतः कटाव में ड्राइंग ऐसा ही रहेगा, एक रफ हम बना रहे हैं, अभी हम इसको स्केल में बनाएंगे, अभी आपको समझा रहे हैं, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या, अकेले रहने में ना थोड़ा दिक्कत होता है, पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है ना। और समझिएगा, है ना, अब देखिए इसे हम लोग कहते हैं बेड लेवल, सबको याद है। इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल सरफेस लेवल, ये होता है एम्बैंकमेंट, ठीक है। अब समझ लेते हैं, जल मार्ग की निचली चौड़ाई यानी ये बेड लेवल की बात कर रहा है, क्लियर है। कह रहा है जल मार्ग की गहराई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। जल मार्ग किसकी गहराई कह रहा है, जल मार्ग यानी 60 सेंटीमीटर तक जल भरा हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बर्म की चौड़ाई 1.2 मीटर, इसकी बात कर रहा है 1.2 मीटर, है ना। तटबंध की ऊपरी चौड़ाई, ये निचली चौड़ाई है, ये ऊपरी चौड़ाई कितना है आपका, 1.2 मीटर, सही है। तटबंध की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर, इसकी बात कर रहा है 80 सेंटीमीटर, है ना। डॉवेल की ऊंचाई के, डॉवेल की चौड़ाई और ऊंचाई दोनों कितना है, 40, यानी एक डॉवेल की चौड़ाई 40 और ऊंचाई भी कितनी मिलेगी आपको, 40 सेंटीमीटर, सही है। NSL से बेड लेवल की गहराई 90 सेंटीमीटर, NSL से बेड लेवल की गहराई 90 सेंटीमीटर। देखिए सारे के सारे डाटा दे दिया, आप ऐसा कहेंगे लेकिन नहीं, पिछले वीडियो में कुछ समझाए थे उसका यूज हमको हर आपका हर ड्राइंग खींचने में करना पड़ेगा नहर का। जैसे क्या इसमें ढाल दिया है, नहीं दिया ना, हम आपको क्या बताए थे, ढाल फुली कटिंग में ढाल एक संबंध एक खा, फुली कटिंग कहना गलत होगा, कटिंग में ढाल एक संबंध एक खा, फिलिंग में ढाल डेढ़ संबंध एक का, बताए थे कि नहीं। ढाल हमेशा सबसे पहले हॉरिजॉन्टल खींचना, उसके पहले वर्टिकल। ड्राइंग बनाने में नहर के जो भी दिक्कत होने वाला है आपको ढाल खींचने में ही दिक्कत होने वाला है, बाकी कहीं नहीं दिक्कत होगा। तो देखिए सारे के सारे मिल गया, क्या आपको ड्रेन का कोई साइज दिया है, नहीं दिया है, हम बताए थे 30x60 वही काम करेगा। चलिए सबसे पहले ना स्केल क्या होगा, इसका स्केल होगा 1 सेंटीमीटर को ना, 1 मीटर को हम खींचेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर को कितना खींचेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसको मन करे 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर भी खींच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्हीं दो पर हम बना देते हैं। अब 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर खींचेंगे थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर खींचेंगे तो ठीक ठाक बनेगा, लेकिन लेकिन ड्राइंग को देख कर बनाना है कि यदि आपका छोटा छोटा वैल्यू दे देगा तो 1 मीटर को 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, बड़ा बड़ा वैल्यू दे देगा 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम मान लेते हैं क्या, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान के हम बना रहे हैं, ठीक है, 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान के बना दीजिए। अब देखिएगा क्या ये दिखाई दे रहा है, अब समझिए सबसे पहले हम खींचेंगे 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान के बना रहे हैं, सबसे पहले खींचेंगे, ठीक है, स्केल को यहाँ लिखते हैं, अरे यानी 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर, ठीक है,
ये क्या हो गया आपका स्केल, है ना। अब देखिए सबसे पहले हम खींचेंगे बेड लेवल। लो भाई खींच दिए बेड लेवल, कितना खींच दिए 3 मीटर, है ना। 3 मीटर स्केल पे आएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ये बात हम बार बार नहीं बताएंगे, एक बार बता दे रहे हैं। स्केल पे कितना आएगा 3 मीटर को, स्केल पे 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर माने हैं। अब मेन दिक्कत होगा आपको ढाल में। अब समझिएगा ये नहर कहाँ है, NSL के नीचे है ना, तो ढाल कितना का मिलेगा, एक संबंध है एक का। अब समझिएगा 3 मीटर खींचने के बाद ना स्केल पर एक इधर चलना है एक इधर चलना है। आप पूछेंगे सर एक क्या चलना है, एक मीटर चलना है, एक सेंटीमीटर चलना है, एक एमएम में चलना है, एक इंच में चलना है। तो मेरे भाई कुछ भी चलिए आप एक सेंटीमीटर यहाँ से, एक सेंटीमीटर यहाँ जहाँ आएगा वहीं से 1 सेंटीमीटर ऊपर, या फिर यहाँ से 1 इंच यहाँ यहीं से 1 इंच ऊपर, यहाँ से 1 मीटर यहाँ यहीं से 1 मीटर यहाँ ऊपर, कुछ भी चलेंगे वो एक ही जगह काटने वाला है, रेशियो है ना तो कट जाता है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर आना है और यहीं से 1 सेंटीमीटर ऊपर। ढाल कितने का मिला, एक संबंध एक खींच दीजिए। बात क्लियर हो रहा है, ढाल लेने वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। यहीं से 1 सेंटीमीटर इधर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर, तो 1 सेंटीमीटर नहीं काटना है, यहाँ से एक इधर। अब कुछ भी एक चलिए, एक सेमी चलिए, एक एमएम में चलिए, एक फीट में चलिए, एक इंच में चलिए, एक मीटर, कुछ भी चलिए, उतना ही इधर ही चलना है। जितना इधर उतना इधर, एक संबंध एक का ढाल मिल गया, ठीक है। वैसे इधर एक संबंध एक का, एक इधर चल लीजिए एक इधर। बात को समझ आ रहा है, एक संबंध एक का ढाल मिल गया, खींच दीजिए। अब NSL कितना मिला, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। हम आपको ना 1 मिनट स्केल ला के समझाते हैं, समझिए। अब देखिए 90 सेंटीमीटर क्या मिला है, नहर की कुल गहराई 90 सेंटीमीटर। अब देखिए अब ऐसा मापेंगे, जैसे कि हम मापेंगे अब 90 सेंटीमीटर, यानी 90 सेंटीमीटर स्केल पे कितना आएगा, 0.9 mm, ठीक है। 90 सेंटीमीटर मापेंगे ना तो यहीं कहीं काटेगा, यहाँ जहाँ काटेगा 90 सेंटीमीटर ना, ठीक है, जहाँ भी काटे 90 सेंटीमीटर, मान लीजिए यहाँ से काटे, थोड़ा बड़ा बना रहे हम, यहाँ काट दिया। अब हमको इससे लेना ही देना नहीं है, इस वाले पॉइंट जो लगे ना उससे हमको लेना देना नहीं है। अब खींच दीजिए जहाँ से मन करे वहाँ एक, जैसे कि बहुत ध्यान समझना है, देखिएगा हम आपको अच्छे समझा दे रहे हैं, ठीक है। अभी इससे बनाएंगे ना छोटा बन जाएगा। देखिए हम ना 1 इंच इधर चल रहे हैं, 1 इंच इधर चल दिए, ठीक है। वैसे 1 इंच हम इधर चल दिए, 1 इंच इधर चल दिया, ठीक है। ढाल कितने का मिला, एक संबंध एक कम को ढाल मिल गया। कितने का ढाल मिला, एक संबंध एक कम को ढाल मिल गया, ठीक है। अभी जितना मन को उतना लंबा खींच दीजिए, ठीक। एक संबंध एक का क्या मिल गया हमको, ढाल मिल गया। अब हमको 90 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो 90 सेंटीमीटर माप लीजिए यहाँ से 90 सेंटीमीटर, देखिए 90 सेंटीमीटर। अब ये 90 सेंटीमीटर वाला काट दीजिए, ये 90 सेंटीमीटर वाला लेते जाइए उधर, ये 90 सेंटीमीटर वाला इधर लेते जाइए। अब जितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको मिटा दीजिए आप, समझे किस तरह बनाना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मिल गया आपको, 90 सेंटीमीटर मिला है कि नहीं, कितना मिल गया, 90 सेंटीमीटर। ये क्या चीज़ है, ये आपका है नेचुरल सरफेस लेवल, है ना। ये क्या चीज़ है आपका, नेचुरल सरफेस लेवल, समझ आ रहा है। ढाल लेने में ये दिक्कत होगा आपको। अब समझिएगा वर्म की लंबाई कितनी है, 1.2। देखिए जल मार्ग की निचली चौड़ाई हो गया, NSL से बेड लेवल की गहराई हो गया, ठीक है। वर्म की चौड़ाई 1.2। अब यहाँ से 1.2 मीटर जाइए, यहाँ से 1.2 मीटर काट दीजिए, यहाँ से भी 1.2 मीटर जाइए काट दीजिए, यानी निशान लगा दीजिए। अब यहाँ से देखिए अब तटबंध बनाना है, तटबंध आपका फीलिंग में आ गया, और फीलिंग सारे के सारे ढाल होते हैं 1.5 संबंध एक का। अब समझिएगा यहाँ से ना, अब समझिए यहाँ से 1.5 इधर, देखिए अब यहाँ से 1.5 इधर, क्योंकि ढाल हमेशा हॉरिजेंटल संबंध है वर्टिकल, सबसे पहले हॉरिजेंटल चलेंगे उसके बाद वर्टिकल। अब देखिए 1.5 इधर चल दिए, अब जहाँ कट किया वहीं से 1 ऊपर, ठीक है, आपको ढाल मिल गया 1.5 संबंध एक का, है ना, 1.5 संबंध एक का ढाल मिल गया। इस तरह मिलेगा, कितना चले 1.5 इधर चले, जहाँ मिला वहीं से 1 ऊपर चले, 1.5 संबंध एक का ढाल।
अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, एम्बैंकमेंट की ऊंचाई, एम्बैंकमेंट की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 mm आएगा। यहीं से मापते जाएंगे, देखिए यहीं से मापेंगे मापेंगे 0.8 जहाँ आएगा ना, जहाँ 0.8 है यहाँ 0.8 आ गया, यहाँ 0.8 करेंगे, ऊपर वाले को मिटाएंगे, बर्म की चौड़ाई 1.2 मीटर दिया है, खींच देंगे, समझ आ रहा है। ए वाली गहराई कितना है 0.8 मीटर यानी 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर 0.8 मीटर, जबकि एम्बैंकमेंट की ऊपरी चौड़ाई कितनी है 1.2 मीटर, समझ आ रहा है 1.2 मीटर है, इतना समझ आया। अब देखिए अब नीचे ढाल आना है आपको, अब ढाल कहाँ आना है, नीचे, अब हॉरिजेंटल यहीं से डेढ़ संबंध एक का ढाल, डेढ़ हॉरिजेंटल एक नीचे, डेढ़ संबंध एक का ढाल मेरा इधर उधर मिल रहा है, ठीक है आपको सिखा रहे हैं, डेढ़ संबंध एक का ढाल आ गया, समझ आया 80 सेंटीमीटर यानी यहाँ लिखना आपको डेढ़ संबंध एक, हॉरिजेंटल संबंध है वर्टिकल, याद रखना है डेढ़ संबंध एक, यहाँ लिखना है आपको एक संबंध एक, एक संबंध एक, एक कितना हो जाएगा आपका 1.2 मीटर, सही है ना, यहाँ से हो जाएगा आपका 1.2 मीटर। हमेशा हमेशा रोड को कहाँ बनाना है, बाएं किनारे, दिखाई दे रहा है ना नहर पूरा, रोड को किधर बनाना है, बाएं किनारे, ठीक है। अब समझिए अब यहाँ से डेढ़ संबंध एक का ढाल, चलिए डेढ़ इधर, यहीं से एक इधर, जो ढाल मिला लंबा जितना मन कर खींच दीजिए 80 सेंटीमीटर के बराबर ही, बताए थे ना पिछले वीडियो में ए वाला और ए वाला ऊंचाई सेम होगा। अब जाइए 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर जहाँ कटे ना काट दीजिए, उसके बाद ए वाला चौड़ाई खींच दीजिए। अब समझिएगा लेकिन डोवेल की ऊंचाई कितनी है, डोवेल की ऊपरी चौड़ाई दिया होगा जी, हाँ डोवेल की चौड़ाई और ऊंचाई कितना है 40 सेंटीमीटर, हम क्या बताए थे 30 से 60 होता है, 40 मिला कि नहीं मिला, तो डोवेल की ऊपरी चौड़ाई कितनी है 40, देखिए ए मिल गया, हम बड़ा बना दे रहे हैं, ए मिल गया आपको 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 mm, बहुत छोटा आएगा क्योंकि 1 मीटर को 1 सेमी माने हैं तो 0.4 mm, यही 1 मीटर को 2 सेमी माने उठे तो 0.8 mm, ठीक है। तो देखिए फिर समझिएगा ये डेढ़ संबंध एक का ढाल है, अब फिर ढाल देंगे डेढ़ संबंध एक का, यहीं से ढाल देंगे डेढ़ इधर एक इधर, ए देखिए डेढ़ संबंध एक का फिर ढाल ढाल दिए, जितना मन करो उतना बड़ा ढाल दे दीजिए, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन फिर हम मापेंगे ना ऊंचाई, डोवेल की ऊंचाई कितनी है 40, फिर मापेंगे आप 40 पे काट देंगे, है ना, और माप देंगे यहाँ से यहाँ लिख देंगे 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ए भी 40 सेंटीमीटर, ए भी 40 सेंटीमीटर, सही है। अब यहाँ से रोड, रोड की लंबाई दी आपको नहीं दिया था, लेकिन 3 मीटर से 3.6 मीटर आप जानते हैं, ये नेचुरल सरफेस लेवल, ठीक है। अब देखिए रोड को ना थोड़ा सा स्लोप बनाना है, ये लंबा सा लाइन था 40 सेंटीमीटर मेरा यहीं तक मिला था, रोड को थोड़ा सा स्लोप बना दीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा स्लोप दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है बना लीजिएगा, ये हो गया मान लेते हैं हम लोग रोड कितना मीटर का, रोड हो जाएगा आपका 3 मीटर का, 3.2 मीटर का, 3.5 मीटर का, कितना मीटर का बना लीजिएगा। अभी भी ढाल कितने का है, अभी भी डेढ़ संबंध है क्योंकि सब फीलिंग में है। अब देखिए यहाँ से भी ढाल डेढ़ इधर आइए आप, एक नीचे आइए आप, एक नीचे आ जाइए, जहाँ मिलेगा मिला दीजिए, डेढ़ संबंध एक का ढाल हो गया, ठीक है, कितना लिख देंगे डेढ़ संबंध एक का ढाल। अब देखिए अब ढाल कहीं भी ना, अभी समझाते हैं, फिर समझिएगा, फिर 30 से 60 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, हम बताए थे 30 से 60 छोड़ेंगे, फिर ढाल कितने का, एक संबंध एक का ढाल आएंगे, है कि नहीं, फिर नाली बना देंगे, यही तो बताए थे, नाली में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, यानी ए वाला दूरी कितना है, ए वाला दूरी 30 से 60 सेंटीमीटर, हम 30 ले रहे हैं, जबकि ए वाला दूरी भी 30 से 60 रहता है, ए भी हम 30 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है। गहराई कितना रहता है, गहराई भी 30 से 60 रहता है, गहराई भी आप 30 सेंटीमीटर ले लीजिए, लेकिन ढाल एक संबंध एक, एक संबंध एक का, ड्रेन पर उतना ध्यान नहीं देना, इधर फोकस करिए।
सारे के सारे पर ट्रैक लगा दिया ना, तटबंध की ऊपरी चौड़ाई भी हो गया, लेकिन जलमार्ग की गहराई कितना है 60 सेंटीमीटर, तो जलमार्ग 90 सेंटीमीटर टोटल है, 60 सेंटीमीटर जलमार्ग भर दीजिए। यही जलमार्ग की जगह लिख रहा था पूर्ण जल तल कितना सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर लिख सकता था, यानी लिख देंगे हम कितना है, यहाँ लिख देंगे 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका FSL, ये क्या हो जाएगा आपका बर्म है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका बर्म, इसमें लिखेगा इम्बैंकमेंट, हम कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, आप सॉरी हम स्मॉल लिख रहे हैं, आपको कैपिटल लेटर लिखना है, डॉवेल, ठीक है। आपके जब ड्राइंग बनाएंगे तो स्पेस बचेगा, ठीक है, अच्छे से आप लिख पाएंगे, मेरा दिखाई तो दे रहा है ना जी, ठीक है। तो ये आपका ड्राइंग हो गया, अब समझिएगा इसमें एक चीज़ और है, अब समझिए यदि यही 60 सेंटीमीटर एक जगह ना 90 से अधिक आया था, कहा देता पानी की गहराई 1 मीटर है, तो पार्शियली फिलिंग और पार्शियली कटिंग मनाहर हो जाता। आई होप अभी इतना समझ आया होगा। ये देखिए टोटली कहाँ है, ज़मीन के नीचे, तो NSL है ना, टोटली पानी NSL के नीचे है, तो फुली कटिंग मनाहर है, इसमें कोई दिक्कत है। अब क्या इसमें बर्म FSL से 0.5 मीटर ऊपर पानी की गहराई के बराबर लिए हैं, नहीं, क्योंकि बर्म इसमें दे दिया है, नहीं दिया होता तब लेते हैं। अब समझिएगा आपको यहाँ आपको समझ आया है कि नहीं, ये बताइए। यहाँ देखिए इतने पार्ट को हम किनारे बना दे रहे हैं, ठीक है, हो सकता है छोटा ना दिखाई दे रहा हो। इधर से हम आए ये वाला पार्ट, जैसे यहाँ काटा ये नेचुरल सरफेस लेवल मिला था, ठीक है, यहाँ से ना यहाँ से 30 सेंटीमीटर इधर आए हैं और एक संबंध एक का ढाल चले हैं, कितना नीचे एक संबंध एक का ढाल, फिर 30 सेंटीमीटर पर काट दिए हैं, ये भी चौड़ाई, ठीक है, अब फिर एक संबंध एक का ढाल चल के ऊपर चले गए हैं, ठीक है, तो ये भी 30 सेंटीमीटर है नहर का, ड्रेन का गहराई भी 30 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके ए वाला दूरी 30 सेंटीमीटर के बाद ड्रेन को बनाए, ठीक है, और ढाल एक संबंध एक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा कम समझ आया हो, ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ धीरे धीरे आएगा। तो हम बता रहे थे ना आपको ढाल लेने में ही दिक्कत होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे आपको चीज़ें समझ आ रही है ना। यहाँ लिख दीजिएगा आपका बेड लेवल, इसमें थोड़ा सा फीलिंग का सिंबल बना दीजिएगा, ठीक है, एक फीलिंग का हो जाएगा सिंबल, बता रहे ना आप में जगह बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा बोर्ड छोटा है, अभी जब हम अपने ऑफलाइन वाले कोचिंग में रहते हैं ना, ऑफलाइन वाले कोचिंग में कई फ़ायदे हैं, क्योंकि बोर्ड भी लंबे है, या फिर हम ऑफलाइन वाले कोचिंग में हो या फिर अपने घर में, बोर्ड बड़ा बड़ा है तो उसमें मज़ा आता पढ़ाने में, और हम ज़्यादा चिल्ला के भी बोल सकते हैं, जो मन करे बोल सकते हैं, यहाँ तो अगल बगल लोग रहते हैं, बस देखने आ जाते हैं कि क्यों अकेले में बोल रहा है, तो यहाँ थोड़ा दब दब के बोलते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड छोटा है लेकिन इतने में बनाना था। तो आई होप आपको समझ आया होगा, अगर थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगा तो 2-3 ड्राइंग हम बनाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं, जहाँ पानी कट करता है यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं 4 संबंध 1 का, यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे, कितने का 4 संबंध 1 का, कितने का लाइन खींचेंगे 4 संबंध 1 का, इसे कहते हैं हम लोग सेचुरेशन लाइन, संतृप्त रेखा, सेचुरेशन लाइन, ठीक है। हम क्या बताए थे कल कि हो सकता है कुछ छूटा हो, आज भी छूट जाता तो यही छूट गया था, है ना, क्या खींचना हमको सेचुरेशन लाइन 4 संबंध 1 का। इस सेचुरेशन लाइन फुली कटिंग में खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब सेचुरेशन लाइन का यूज क्या होता है वो हम बनाएंगे जब पार्शियली फिलिंग और पार्शियली कटिंग, उसमें समझेंगे इसको क्यों खींचा जाता है, या फिर फुली फिलिंग नहर बनाएंगे तब उसमें समझेंगे इसको खींचते क्यों है, ठीक है। तो फुली कटिंग में नहीं खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप खींच दीजिए, खींचने में क्या जाता है। तो सेचुरेशन लाइन को हम लोग आगे समझेंगे, इसका यूज़ क्या है, क्यों खींचते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा, यदि मतलब कि नहीं समझ आ गया है, नहीं समझ आया हो तो हमको ज़रूर बताइए कहाँ नहीं समझ आया, और यदि समझ आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ आया या फिर नहीं समझ आया। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा समझ आया कि नहीं समझ आया। आप कहेंगे नहीं समझ आया तो हम इसको कुछ दूसरे तरीके से बताएंगे, सिस्टम कुछ चेंज करेंगे। यदि कहेंगे समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे की वीडियो में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार में मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड है तो एक ही बार में ज़्यादा समझ नहीं आने वाला है,
कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, थोड़ा सा ढाल लेने में दिक्कत है। तो आज का था, कल हम पढ़ेंगे फुली फिलिंग या पार्शियली फिलिंग, पार्शियली कटिंग। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और फिर भाई फाइनली हम यही कहना चाहेंगे, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने वाले ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, क्योंकि चैनल का ग्रोथ आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, चैनल का ग्रोथ बहुत ही स्लो है। तो थैंक यू सो मच।